Hey guys, welcome to my fifth video on my channel Delhi Wala in Europe. I know, काफी time हो गया है, 6-7-8 महीने हो गए हैं कि मैं काफी disconnected था अपने channel से, because there was a lot going on in my life, और probably this is one of the reason in 6-7 महीनों में जो भी मैंने decide किया, जो भी मैंने analyze किया, जो भी मैंने decisions लिए, I'm going to share with all of you, so that it may help you in your professional journey. और मे बी पर्सनल जर्नी, वट एवर इट इज. काफी चीजें मेरे को डिस्कस करनी थी, काफी चीजें मेरे को शेयर करनी थी. बहुत कुछ हुआ है इन 6 महीनों में जो मैंने प्लान बिल्कुल नहीं किया था और एंटिसिपेट बिल्कुल भी नहीं किया था, लेकिन क्योंकि अभी हो गया है तो करेंगे बात. और आई थिंक यू नो जो भी प्रोज एंड कॉन्स और जो भी मेरे डिसीजन रहे, मैंने किस बेसिस पे डिसीजन लिए, उस बारे में बात करेंगे. तो इतनी बात हो रही है डिसीजन की, ऐसा हुआ क्या है इन 6 महीनों में. और अगर आप लोग मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हो तो शायद पता होगा कि क्या हुआ है. बट कुछ हिंट दूं तो पीछे का व्यू देखो. ओके, सो दिल्ली वाला इन यूरोप इज नॉट दिल्ली वाला इन यूरोप नाउ. नाउ वी हैव चेंज इट टू प्रोबेबली दिल्ली वाला इन अब्रॉड. एंड द रीजन इज दैट आई हैव लेफ्ट जर्मनी and I have moved to Canada. I am in Toronto. So it's a separate discussion whether it's called Toronto. But ठीक है, चल जाएगा. और काफ़ी जल्दी हुआ है ये सब. जर्मनी में मैंने ऑलमोस्ट 1 साल बिताया और उसके बाद there were a lot of things that I basically analyzed before making this decision. तो उसी बारे में बात करेंगे कि why I decided to leave Germany and move to Canada. What are the different things that I considered and how it can help you in making this decision. So stay tuned और साथ में रहना. अभी हम लोग नीचे जाएंगे. It's actually autumn और fall का season है and it is beautiful out there. So a bit of context about my journey so far. और अगर आप लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो make sure you subscribe. So I'll give you some context. I moved from India to Germany, Munich, on a work permit as an analytics professional. I'm into analytics industry. So I had a blue card. Blue card is sort of a temporary resident permit. Then I moved from Germany to Canada now on a work permit again. So I'm on a close work permit. Mostly people move to Canada on student visa, PR, by applying it directly from India or maybe applying it from here. But meri journey kafi alag rahi hai. Main jaise Germany move hua tha, job dhoond ke, वैसे ही मैं कनाडा मूव हुआ हूँ जॉब ढूंढ के. तो मेरा फिर से ये पूरा मूव स्पॉन्सर्ड है, मेरे एम्प्लॉयर ने स्पॉन्सर किया है. मेरे को वीज़ा वगैरह, रिलोकेशन, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू मी बाय माय स्पॉन्सर, बाय माय कंपनी. तो एक डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है, जो मैं देना भी चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ऑफेंड हो सकते हैं इसमें. सो दिस वीडियो दैट आई एम मेकिंग इज प्योरली माई ओपिनियन, माई पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स. Whatever rationale I used behind making a move from Germany to Canada, I by no means downgrading, criticizing any country, city, because every country and city is special. Even my India is very special to me. But it is very important that what exactly you want from your life. What is your perspective related to different things in your life, right? What you want to achieve out of your life. Mere ye move kafi mere goals के डायरेक्शन में है और उससे मैच करते हैं. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन आई डिसाइडेड टू मूव. सो प्लीज प्लीज प्लीज, ये मेरा ओपिनियन है. इफ यू डू नॉट अग्री, इफ यू अग्री, मैं अभी काफी सही अपार्टमेंट में रहता हूं, शो ऑफ नहीं कर रहा. अरे कर रहा हूं यार वैसे. मेरे को काफी डर लगता है यार ये नीचे देखने में, बहुत नीचे है और फोन ना गिर जाए. बट इट इज़ ब्यूटिफुल यार, सो ब्यूटिफुल. दैट इज लुक एट इट, दैट्स ओंटारियो लेक. सी नहीं है ये, उस साइड, इस साइड अगर आप देखोगे, इस साइड वो यूएस है और ये टोरंटो आइलैंड है. और दिस इज द मोस्ट फेमस सीएन टावर. यू नो व्हाट, कैन यू सी दोज पीपल आउट देयर, ये रेड रेड में, ये रेड रेड, ये देखो, ये देखो. हाँ, यहाँ पे क्या होता है ना, इट्स कॉल्ड एज एज वॉक.
पे लटक सकते हो आप ग्रिल से नीचे की साइड, आप ऑब्वियसली हार्नेस्ड होते हो। और यहाँ पे एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी है और ये काफ़ी ऊंचा है, आई थिंक ये वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आता है हाईएस्ट टावर में। जैसे वहाँ पे देखो ये सब ब्यूटीफुल अलग अलग कलर्स की लीच हो रखी हैं। नीचे आप देखो ब्यूटीफुल, दिस एक्चुअली इज़ अ रेल म्यूजियम, दिस इज़ द फेमस रॉजर सेंटर, यहाँ पे ये स्टेडियम है एक्चुअली। एंड द अदर हाईलाइट ऑफ माई लाइफ दिस ईयर इज़ दैट आई एम गेटिंग मैरिड दिस ईयर, और ये भी बहुत बड़ा रीज़न था टू मेक अ डिसीजन कि भाई जर्मनी रहना है कि कैनेडा रहना है, क्योंकि बोथ कंट्रीज आर डेवलप कंट्रीज राइट, और बोथ कंट्रीज हैव गॉट इट्स ओन बेनिफिट्स डाउन साइड्स। तो हमने सोचा कि किसी और के पर्सपेक्टिव पे ना बिलीव करते हुए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं, इफ़ इट वर्क्स फॉर अस वेल एंड गुड, इफ इट डजंट विल सी। इवन इन जर्मनी इवन इन कैनेडा यू नो रितु को कहीं भी अगर वीज़ा मिलता तो उसको जो वीज़ा मिलता वो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जैसे मेरे वीज़ा पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस है राइट, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और शी कैन वर्क फॉर एनी एम्प्लॉयर, शी कैन डू एनी थिंग दैट शी वॉन्ट्स टू डू, शी कैन ओपन हर बिजनेस, शी कैन वर्क फॉर एनी एम्प्लॉयर, चेंज जॉब्स एन नंबर ऑफ टाइम्स एंड वॉट नॉट। सो ये तो काफ़ी सही बेनिफिट मिलता है स्पाउसेस को, और सेम जर्मनी में भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि बात तो करते रहेंगे, तो लेट मी गो डाउन अ बिट, 64th फ्लोर पे रहता हूँ मैं, तो मैं काफ़ी मौके मेरे को नहीं मिलते हैं यार, और ये थोड़ा सा डाउन साइड है 64th और टॉप हाई राइज बिल्डिंग में रहने का कि मेरे को तो बहुत आलस आता है नीचे जाने में। तो अभी क्योंकि मौसम भी ठीक है और अच्छा लग रहा है तो लेट्स गो डाउन और थोड़े से कलर्स देखते हैं सिटी के और एक्सप्लोर करते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न आई मेक वीलॉग्स इज बिकॉज आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट माई जर्नी राइट। मुझे आप लोग का नहीं पता, मतलब आप लोग कुछ सीख पाते हो इस चीज़ से कि नहीं, या फिर मैं सिखा पाता हूँ कि नहीं, बट आई रियली वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट वॉट एवर आई एम गोइंग थ्रू इन माई लाइफ, सो दैट प्रॉब्ली 10 years 15 years डाउन द लाइन वेन आई लुक बैक आई हैव समथिंग डॉक्यूमेंटेड राइट, एंड आई एंजॉय वॉचिंग इट। सो दिस इज़ समथिंग फॉर मी, और इसी बहाने अगर मैं किसी को नॉलेज शेयर कर दूँ, सही है, एक तीन से दो निशाने। तो चलो लेट्स गो, नीचे चलते हैं और थोड़ा सा घूमते हैं, बहुत ठंड हो रही है, बहुत नहीं मतलब ठंड तो हो रही है। मैं मास्क तो अभी भी हर जगह ही है, टोरंटो में भी अभी मास्क वगैरह लगाने पड़ रहे हैं, मैंने मास्क ले लिया है, वॉलेट। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना हाई राइज बिल्डिंग में रहने का, हम लिफ्ट्स क्योंकि काफ़ी टाइम पे कार्स में अपनी कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं, फुल कैपेसिटी पे, तो यू रियली हैव टू वेट अ लॉट, तो ये थोड़ा सा डाउन साइड लगता है। क्या मैं रहना चाहूँगा 64th क्लब हाई राइज बिल्डिंग पे आगे फ्यूचर में, क्योंकि ये तो टेम्प्रेरी अकोमोडेशन है, आई डोंट थिंक सो, आई एम मोर ऑफ अ पर्सन हु वांट्स मोर स्पेस, सॉर्ट ऑफ अ डिटैच्ड हाउस, जो एक होता है जो हम लोग नेटफ्लिक्स की सीरीज में देखते हैं वैसा, जिसमें बैकयार्ड हो सब हो। हाई राइज बिल्डिंग मैं हमेशा रहना चाहता था लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया, बिकॉज इंसानों के पर्सपेक्टिव बदलते हैं एक्सपीरियंसिस के साथ। कहीं से तो खुलेगा भी है, तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे और एज यू कैन सी इसमें टोटल 67 फ्लोर्स हैं और बहुत तेज़ आती है। और मेरी बिल्डिंग ये है, काफ़ी ऊंचा है यार, दैट्स माय बिल्डिंग, दैट्स कॉशिया बैंक कह रहे ना, तो यहाँ पे काफ़ी कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, मैचेस वगैरह होते हैं। दैट्स PwC टावर, यहाँ PwC का ऑफिस है, इस बिल्डिंग में लिंक्डइन का ऑफिस है और ये अमेज़ॉन का ऑफिस है। डाउनटाउन में रहना स्टार्टिंग में अच्छा है, मतलब ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, मतलब डाउनटाउन में रहना स्टार्टिंग में काफ़ी सही है, क्योंकि व्हेन यू आर न्यू टू द सिटी, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट आई हैव लर्नड आउट ऑफ ऑल दीज मूवमेंट्स, कि व्हेन यू आर न्यू टू द सिटी और कंट्री, ट्राई टू लिव इन अ प्लेस विच इज़ वेरी लाइवली, ओके। तो उससे क्या होता है कि एक तो होमसिक नहीं होता बंदा और सिटी को इन्जॉय कर पाता है, और दोस्त भी नहीं होते तो इज एबल टू मेक गुड फ्रेंड्स।
तो अभी बात करते हैं कि why I decided to leave Germany. First of all, let me tell you that Canada was never in my plans, and so was Germany. But I think life happens to you when you are busy making other plans. So April में I got this opportunity from Toronto, where I'm currently working, and मैंने सोचा ठीक है, मतलब देखते हैं. So the good thing about me is that if I get any opportunity, I grab it. There's no point in cribbing about it later. When you are getting an opportunity, and if definitely if it is in line with what you want or at least may want in the future, explore. Duniya bahut competitive hai. When the process started and everything went well, so I was in a dilemma ki bhai abhi kya kiya jaye. Should I really move to Canada? Should I really stay in Germany? Kyunki Germany at least Europe ka powerhouse hai. ठीक है, इफ़ यू वर्किंग इन जर्मनी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फैक्टर्स रहते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स फर्स्ट. सो जर्मनी में वर्क लाइफ बैलेंस अमेजिंग है. हम लोगों को एटलीस्ट मेरी कंपनी में हमको 30 डेज ऑफ पेड वेकेशन मिलता था और अनलिमिटेड सिक लीव्स मिलती थी. इसका डिस्क्लेमर है बस अनलिमिटेड सिक लीव्स में कि अगर तुम ज़्यादा टाइम के तक सिक लीव्स लेते हो तो तुमको थोड़ा सा मतलब फिर अप्लाई करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए. बट वो बहुत रेयर केसेस होता है अगर लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी होता है. बट इट नो बडी विल क्वेश्चन. इन फैक्ट your manager ask you to take holidays, right? Plan your holidays, plan your vacations. So that's really good part about Germany. बहुत अच्छा work life balance है. Second thing is वहाँ पे job protection बहुत अच्छा है. So your employer needs a very solid reason to fire you. ऐसा नहीं है कि तुम हो ही नहीं सकते फायर, but employer will have to make a very strong case to basically fire you. So employees do not really get into that. And third thing is my personal favorite. The travel. You are at the center of Europe, right? Ek train pakdo, you can be either in Paris, Switzerland, anywhere, and it is so economical. Germany ka transport system, or in general, Europe ka transport system, amazing hai. People come from all over the world to Europe, and I was at the center of Europe. So Germany is very beautiful, right? Canada mein, I think mere ko explore karna padega, but definitely it cannot match. Sorry to say. चौथी चीज़ ये थी कि घर के बहुत पास था. ठीक है, ये चीज़ बहुत लोग रियलाइज नहीं करते हैं, बट आई एम रियलाइजिंग इट नाउ बिकॉज आई मूव टू कैनेडा कि 15 घंटे 16 घंटे 17 घंटे की फ्लाइट लेके तुम दिल्ली पहुँचोगे. एंड आई लिव इन दिल्ली. लोग इधर उधर भी रहते हैं, थोड़ा नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी रहते हैं, तो कितना चैलेंजिंग रहता होगा, राइट? 15-16 घंटे का एक तरीके से पूरा दिन खराब हो जाता है. जर्मनी में बेस्ट था, 8 घंटे की फ्लाइट होती थी और 10-12 घंटे में अपने घर होता था. तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी जर्मनी की. एंड फिफ्थ विच वॉज अ क्रूशियल फैक्टर फॉर मी वॉज टाइम जोन. तो मैं जर्मनी समर्स में 3.5 घंटे पीछे होता है इंडिया से. सो अगर जर्मनी में 6 बज रहे हैं शाम के, तो इंडिया में रात के 9:30 बज रहे होते थे. तो इतना मैनेज कर सकते थे और मैं अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, अपनी गर्लफ्रेंड को, यू नो, आई वॉज एबल टू रियली टॉक प्रॉपरली, और इतना कभी मेरे को वो हीट नहीं लगा. तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी. और विंटर्स में एक्चुअली वो 4.5 घंटे का डिफरेंस हो जाता है. इफ़ यू नो वो डे लाइट सेविंग का सेपरेट टॉपिक के अब आते हैं कि व्हाई आई डिसाइडेड टू लीव जर्मनी. जब इतना सब अच्छा था, जॉब सिक्योरिटी थी और वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा था. सो फर्स्ट थिंग इज जर्मन लैंग्वेज, राइट? जर्मन लैंग्वेज का प्रॉब्लम रियल है. इट्स फॉर रियल. यू हैव टू लर्न जर्मन. एटलीस्ट बेसिक बाय ग्रोसरीज, टॉक टू पीपल, मैंने नहीं सीखी थी. मतलब कह लो मेरा आलस या कुछ भी कर लो, मैंने नहीं सीखी थी. और बिल्कुल टाइम भी नहीं था. तो जर्मन लैंग्वेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पर्सनल लाइफ में, नहीं प्रोफेशनल लाइफ में. ठीक है, पहले बात करते हैं मेरी. सो प्रोफेशनल लाइफ में मैंने आई मिस्ड आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम कंपनीज लाइक अमेज़न, राइट? बिकॉज टू जर्मन. ठीक है, मुझे ये डर था कि अभी तो मेरी कंपनी इंग्लिश स्पीकिंग है, ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर, राइट, अगर मैं लीडरशिप रोल में मूव करता हूँ या डोमेन चेंज करता हूँ, तो वहाँ पे यू आर एक्सपेक्टेड टू नो जर्मन. ये मेरे लिए बॉटलनेक बन जाता कुछ ईयर्स डाउन द लाइन. सेकेंड थिंग विच वॉज अ क्रूशियल रीजन फॉर मी इज माई वाइफ रितु. उसकी जॉब, शी इज़ नॉट इन टू IT. IT बूम पे है, हर जगह आपको जॉब्स मिल जाती है. यू हैव टू बी स्किल्ड इन, राइट? बट रितु इज इन टू एनवायरमेंटल साइंसेज, विच इज़ वेरी गुड ऑफ मी. और जर्मनी इज डूइंग रियली गुड इन एनवायरमेंटल साइंसेज. बट प्रॉब्लम है उसको जर्मन लैंग्वेज की बिजनेस फ्लुएंसी बहुत अच्छी आनी चाहिए, और अगर वो नहीं आएगी तो उसको इंटरव्यू कॉल्स तक नहीं आएंगे. तो ये सबसे बड़ा रीज़न था. वी एक्चुअली ट्राइड कि हमने सोचा एक बार ट्राई करते हैं जॉब ढूंढने में, हमें जॉब नहीं मिल रही थी. तो
कि यार ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हम दोनों के लिए ही हो जाएगी. तो दिस वॉज वन ऑफ द रीजन कि लेट्स एक्सप्लोर. क्यों मैं इसे कि भाई तुम जर्मन सीख लेते हो, बट मुझे लगता है कि यार जर्मन सीखना अलग है, जर्मन में एक्सेल करना अलग है, ठीक है, और जॉब में रहने के लिए तुमको इंटरमीडिएट तो बनना पड़ता है और उसमें भी टाइम लगता है. तो मैं वो एफर्ट नहीं करना चाहता था इस पॉइंट ऑफ टाइम में अपने करके. लेट्स टॉक अबाउट द अदर क्रूशियल रीजन इज मेरे पेरेंट्स. आई एम वेरी फैमिली ओरिएंटेड गाय, इवेंचुअली आई वुड वांट माय फैमिली टू बी विद मी. जर्मनी में मेरे पेरेंट्स नहीं आ सकते मेरे साथ परमानेंटली, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. वो लोग अगर आ भी सकते हैं तो विजिटर वीजा पे आ सकते हैं 3-3 महीने के लिए, यू नो, सो 3 महीने इन अ विंडो ऑफ 6 मंथ्स. तो वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, राइट. अभी तो फिर भी सही है, व्हेन योर पेरेंट्स ग्रो ओल्ड यू वुड वांट योरसेल्फ टू बी देयर फॉर देम. सो वो चीज़ बहुत बड़ा रीज़न था, जो कि कैनेडा में वो कुछ भी नहीं है रीज़न. कैनेडा वर्ल्ड नोज इज अ इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री, सो पेरेंट्स ईजिली आ सकते हैं, मीट विजिटर वीज़ा, मीट सुपर वीज़ा, PR एंड And third reason, obviously, I mean, you, when you said jobs, you're getting paid well, right? So, वो भी एक reason था, but इतना बड़ा reason नहीं था, क्योंकि जर्मनी में भी cost of living की बात करें और सारी packages देखें तो मिल जाता है या उसके आसपास मिल जाता है, और it would have been easy, क्योंकि positives, negatives, share हर जगह चलते हैं. तो इतना बड़ा crucial factor नहीं था. तो अभी ऐसा हो गया था, मैंने और रितु ने काफ़ी डिसाइड किया, और आप लोगों का ऐसा हो गया था कि यार जर्मनी के इतने भी negatives नहीं है कि वो उस पर कैनेडा के पॉजिटिव्स ओवर पावर कर जाए, या फिर जर्मनी में इतने भी पॉजिटिव्स नहीं है कि कैनेडा के नेगेटिव्स उस पर ओवर पावर कर जाए. तो व्हाट शुड वी डू, वी आर टोटली कंफ्यूज्ड, राइट. तो हमने सोचा बॉटम लाइन, और विच मेड आवर डिसीजन वेरी क्लियर फॉर बोथ ऑफ अस, वी डिसाइडेड कि वी बोथ आर वेरी यंग, वी आर 26-27, राइट. एंड इफ हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है to explore the other part of the world, explore a beautiful country like Canada, I think it is worth giving a shot. If it doesn't work out for you, okay, if it works out, well and good. So I'm sort of a person, main logo ke experiences ko bahut zyada jaanta nahi, main leta hu unke experience ko samajhta hu aur but totally apply nahi karta hu, kyunki main cheezon ko first hand experience karna chahta hu, kyunki har banda alag hota hai, har bande ki priorities alag hoti hai, har bande cheezon ko alag perspective se dekhta hai. ठीक है, तो हम दोनों ने यही सोचा कि लेट्स एक्सपीरियंस कैनेडा एंड देन टेक ए कॉल, बिकॉज़ वी आर जस्ट सो यंग, राइट. एंड इफ यूरोप हैज आवर कॉलिंग, और इंडिया और यूएस, यू नेवर नो, वी विल डिसाइड, बट अभी लेट्स मूव और वी विल सी. सो ऑल इन ऑल, ये पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, दोनों कंट्रीज अमेजिंग है. कैनेडा मेरे को पसंद आने लगा है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इट्स जस्ट वन मंथ. बट जर्मनी तो आई जस्ट लव इट टू द कोर. देखो कभी कभी मतलब जर्मनी का नाम आता है तो एक होमली फीलिंग आती है, क्योंकि उस कंट्री ने मेरे को बहुत कुछ दिया है. मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ बन गई, मेरे को एक अच्छी लाइफ मिल गई, और आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट, आई बिकम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मेरे को कुकिंग आ गई, सर्वाइवल स्किल्स आ गई. तो जर्मनी विल ऑलवेज बी वेरी क्लोज टू माय हार्ट. सो ऑल ऑफ इट, यही डिसीजन लिया कि भाई चलो अब ऐसा करते हैं कि अभी कैनेडा मूव करते हैं, बाद में डिसाइड कर लिया. मैंने सोचा कि मैं एक बार नाइट व्यू भी दिखा दूं मेरे अपार्टमेंट से कैसा दिखता है. सो थैंक यू सो मच अगर आप लोग यहां तक पहुंचे हो. सो मेक श्योर यू गाइज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद एनीबॉडी हु इज प्लानिंग टू मूव टू जर्मनी, कनाडा. Also, I am very regular on my Instagram, which is Delhiwala in abroad. Make sure you guys follow me on Instagram, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे views डालते रहता हूँ. मैंने नया नया फ़ोन लिया है, iPhone 13 Pro, so I'm making the best use out of it. So make sure you follow me there. और हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी. Till then, please keep yourself safe, your family safe, be healthy, और मिलते हैं जल्दी.